भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच खेला गया भारत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के बीच। दरअसल आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ के चोटिल हो जाने के बाद लगातार ये सवाल सामने आ रहे थे कि आखिर भारत की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, क्या रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे या फिर मुरली विजय और केएल राहुल। लेकिन इन सबका जवाब देते हुए दूसरी पारी में मुरली विजय ने एक शानदार शतक जड़ा। इंग्लैंड दौरे पर ड्रॉप होने के बाद मुरली विजय को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौका दिया गया। पहली पारी में बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी मुरली विजय ने, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 132 गेंदों में 129 रनों की जानदार पारी खेली। लेकिन आपको बता दें कि मुरली विजय ने एक ही ओवर में अपना शतक पूरा किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ओवर में शतक कैसे पूरा हो सकता है। दरअसल मुरली विजय 74 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी एक गेंदबाज को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लाया गया। उस ओवर में मुरली विजय ने 26 रन ठोके और अपना शतक पूरा किया। वेल, मुरली विजय फॉर्म में तो आ गए हैं, अब ये देखना है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वो फॉर्म को कंटिन्यू रख पाते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।